इस वीडियो में बात करेंगे सीएमए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल जून 24 के एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए ताकि आपके मन में सारा डाउट क्लियर हो जाए। ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, स्टूडेंट्स चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सीएमए रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट मिस ना हो पाए। पिछले 4 सालों से सबसे पहले सीएमए कोर्स के रिलेटेड चार्टेड स्टडीज अपडेट करता है स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें चार्टेड स्टडीज को। तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दे, सीएमए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल जून 24 का एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सीएमए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल जून 24 का एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम फी का बात किया जाए तो 1200 और आखिरी डेट है 16 अप्रैल 2024। जो लोग सीधा न्यू कोर्स में एग्जाम दे रहे हैं सीधा एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिपीटर है, ओल्ड कोर्स में एग्जाम दिए थे, इस बार न्यू कोर्स में एग्जाम देना है तो सबसे पहले कन्वर्जन करना होगा, इसके बाद ही एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। फाउंडेशन वाले ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट एंड फाइनल वाले, तो इंटरमीडिएट एंड फाइनल वाले के लिए भी एग्जाम विंडो को ओपन कर दिया गया है। आखिरी डेट है आपको 10 अप्रैल 2024। सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे कोई एक ग्रुप तो 1200, बोथ ग्रुप तो 2400। सीएमए फाइनल का कोई एक ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो 1400, बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो 2800। सीधा आप लोग न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्जाम दे रहे होगे, एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होगे तो सीधा एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं इंटरमीडिएट एंड फाइनल का। लेकिन अगर आप रिपीटर हो देन ऐसे केस में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओल्ड कोर्स में जो लोग दिसंबर 2023 में आखिरी अटेम्प्ट था तो वो लोग एग्जाम दिए थे, तो सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। कैसे कन्वर्जन करना, कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना, सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले वीडियो मिलेगा सीएमए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल न्यू कोर्स में कैसे कन्वर्जन करना। जो लोग न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन किए उनको कन्वर्जन करने का कोई जरूरत नहीं है, उनको कन्वर्जन करने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। और कन्वर्जन फी का बात किया जाए तो ₹250। कन्वर्जन से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज कन्वर्जन वाला वीडियो को देखिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, एग्जाम फॉर्म सीएमए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल का कैसे फिल करना मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि कन्वर्जन का क्या होगा लास्ट डेट, तो सबसे मतलब क्या बोले ऐसे डाउट पे, आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले तक 2 से 3 दिन पहले तक, कम से कम जो लास्ट डेट है उससे पहले तक कन्वर्जन हो गया होगा तभी तो आप उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। बिना कन्वर्जन किए रिपीटर चाहे फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल के स्टूडेंट्स होंगे सीएमए के, उनको कन्वर्जन बिना किए एग्जाम फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते। इसका ये मतलब हुआ ओल्ड कोर्स वाले को सबसे पहले कन्वर्जन करना होगा, जितना जल्द से जल्द हो सके कन्वर्जन कीजिए, उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जो लोग न्यू कोर्स में सीधा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं सीएमए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल में, तो उनको कन्वर्जन करने का कोई जरूरत नहीं है और सीधा आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। कन्वर्जन रिलेटेड डाउट है तो कन्वर्जन वाले वीडियो को प्लीज देखिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम फॉर्म फिल कैसे करना सीएमए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल कोर्स में, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो गया। डाउट क्लियर हो गया तो कॉमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिएगा और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।